गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। ये देखो बादल छाए एक तरफ धूप, ऐसा ही हो रहा है। और कभी कभी बारिश हो रही है, कभी कभी धूप आ रही है। अभी देखो एकदम कड़क धूप। और मैं क्या कर रही हूँ, ड्यूटी से आ चुकी हूँ और घर की सफाई में लग गई हूँ। तो बेड की सफाई तो हो चुकी है, अभी झाड़ू पोछे की बारी है। और आज का दिन ऐसे ठीक ही है, वेदर ठीक ही है। प्रीतम घर पे है, स्कूल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन है, तो जो गाड़ियाँ सब ले लिया है स्कूल की, तो स्कूल नहीं जा पाया। गार्जियन ले जा सकते हैं लेकिन इतना दूर दो बार जाना आना बहुत मुश्किल है उसके पापा के लिए। तो वो आज घर पे है, बोला कि बिरयानी खानी है। तो उसके पापा तो एकदम उछल पड़े, उसके पापा तो ये सब करने के लिए तैयार रहते हैं एकदम। सिर्फ एक बार बोलना ज़रूरी है और मेरी हाँ की ज़रूरी है। और ये देखो मेरा बच्चा बदमाशी कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर फैन के साथ खेल रहा है। क्या बोले, यही चलता है। और मैं चिल्लाती रहती हूँ, ये घर पे रहता है और मेरी तो हालत ख़राब होती है। प्रीतम के पापा लग पड़े हैं तैयारी में, बाज़ार से आए हैं। आते ही प्याज काटने लग पड़े और मुझे ऑर्डर करने लगे, जाओ चिकन धोकर रेडी कर लो, आय कर लो, वो कर लो। उनका तो यही काम है, खुद भी करेंगे और मुझे भी लगाएंगे, सिर्फ ऐसे बैठ कर खाने नहीं देंगे। हाँ, खुद भी ये सब करना बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे सामान लाए हैं, देख रही हूँ, तो देखती हूँ आपको बाद में दिखाती हूँ। ये पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, खीरा, ये सब तो बिरयानी के लिए है, बाकी सब दिखाती हूँ बाद में आपको। तो जी नहा धो के तैयार हो गई, ये देखिए। और प्रीतम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के फोन लेकर बैठा है क्योंकि उसके पापा फोन भूल गए घर पे, तो उसी बात का वो फायदा उठा रहा है। और स्कूल तो नहीं है, पहले ही बोला बस बंद 2 दिन तक, 3 दिन के दिन मतलब शनिवार को छुट्टी, वोट की वजह से। हमारे यहाँ पे पंचायत वोट है तो इसकी तो बल्ले बल्ले, रविवार को भी छुट्टी, मतलब 4 दिन मुझे सताएगा, 4 दिन मुझे इसे झेलना पड़ेगा। और आज इसका मन हुआ इसीलिए उसके पापा बिरयानी बनाने लग पड़े सुबह से, और मुझे भी तो लगाएंगे, ऐसे तो खाने नहीं देंगे बैठे बैठे। तो तैयारी करते करते अभी गए हैं बाहर, कुछ और सामान लाने हैं जो भूल गए। तो उसे फोन देखना है इसलिए तुम ब्लॉगिंग बंद कर दो, ठीक है? हाँ, वो चला रहा है, आप समझ लो, जो मर्जी कर लो। और चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, ये देखिए चिकन ही, और थोड़ा लाने गए हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ही सोचा कि थोड़ा कम पड़ जाएगा क्योंकि प्रीतम तो जानते हो 2-3 दिन तक खाएगा, और वो आलू और अंडा तो नहीं खाता, चिकन के साथ ही खाता है। तो इसलिए उसके पापा फिर से बाजार गए और दही भी कम होगा, मैंने बोला 400 दही में नहीं होगा, बिरयानी में देना है, रायता बनाना है, तो फिर हो गए। और क्या मतलब, ठीक से बाजार करके नहीं आएंगे, फिर से जाएंगे वो भी ठीक है, और बार बार बाजार जाना उन्हें अच्छा लगता है, बिना खाए चले गए। अभी आएंगे तब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर बिरयानी बनाएंगे हम दोनों मिलकर। चलो अभी क्या करती हूँ मैं, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, वो सब धोकर काट के रेडी कर लेती हूँ। आलू और प्याज तो काट के ही गए, चिकन मैरिनेट होने के लिए रख ही दिया है, बाकी मैं देखती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अभी धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता चुन लेती हूँ अच्छे से और फिर साफ कर लेती हूँ। और इधर आलू, नमक और हल्दी लगा के रख दिया है, चिकन भी जो लाए थे उसको भी अच्छे से धोकर मिक्स कर दिया इसी में मैरिनेट होने के लिए। अंडा बॉयल हो रहा है और बेरिस्ता भी तैयार हो रहा है और मसाला रेडी, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, तो ये भी रेडी। तो दोनों मिलकर लगे पड़े हैं और क्या, ये चलो आलू फ्राई हो चुके हैं, अंडा फ्राई हो चुके हैं, अंडा हालत खराब अंडे की, जो है उसी वही खा लेंगे। घर में बनी हुई चीज़ है, अगर थोड़ा ख़राब भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो दुकान का नहीं है कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही मतलब एकदम परफेक्ट दिखना है, ये वाला तो नहीं है। तो बेरिस्ता बनाने के बाद उसी ऑयल में प्रीतम के पापा मसाले भूनेंगे चिकन के लिए। और क्या क्या लाए हैं चलो एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। पार्ले जी, दही, जो रिफाइंड ऑयल वो भी लाए हैं, बिस्किट, केक, और क्या है जी,
दिखाई नहीं दे रही। हाँ ये चावल है, चावल था घर पे, फिर भी ये 1.5 किलो चावल अलग से लाया अभी। 1.5 किलो, 1 किलो 250 शायद। हाँ तो अभी रायता बना रही हूँ मैं। रायता बनाना कंप्लीट, इसे फ्रिज में कटोरी में डाल डाल के मैं रख दूँगी, जितने लोग हैं उतने मैं डाल के रख दूँगी। और बेस्ता भी रेडी, थोड़ा सा खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पीतम को तो बार बार आ रहा है और थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है वो, और क्या जी। तो चलो कटोरी कटोरी में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, खाने के समय निकालूंगी और खाऊंगी, और क्या जी। अभी इसे रखती हूँ, फिर जो कांच के कटोरी है सब धो लेती हूँ, फिर सेट ये करूंगी। देखिए जी, चिकन कंप्लीट। थोड़ा ग्रेवी रखा है ज्यादा, नहीं तो पिछली बार थोड़ा सूखा सूखा बना था, इसलिए इस बार ग्रेवी मसाला थोड़ा ज्यादा है। और चावल का पानी गर्म हो रहा है, जो जो देना होता है दे दिया है। गर्म मसाला, नमक, चीनी, हरी मिर्च और तेल। नींबू दूं कि नहीं दूं सोच रही हूँ, ज्यादा खट्टा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, रहने दो नींबू, नहीं तो 2 बूंद दे देती हूँ। फिर चावल डाल दूंगी, फिर आती हूँ। तो जी ये देखिए सब सामने रख दिया है पीतम के पापा के। अभी वो सजाएंगे, लेयर तैयार करेंगे बिरयानी की। ये केवड़ा और गुलाब का पानी, ये केसर में दूध में डाला हुआ केसर भिगोया हुआ, और हंडी को देसी घी से, मतलब देसी घी से गरम कर लिया, देसी घी लगा के। और ये देखो अभी चिकन का थोड़ा जो ग्रेवी है वो पहले डाल रहे हैं, नहीं तो क्या होता है ड्राई हो जाता है चावल नीचे का, इसलिए ये। और सब कुछ सामने है, एक एक करके वो सजा लिए। देखो चावल बहुत गर्म है, वो डालने गए फिर रख दिया, क्योंकि एकदम ऊपर तक है ना, और अभी अभी मार पसारा है, तो मैंने ही फिर कपड़ा लेकर डाल दिया इसमें। अभी जा रहा है चिकन का लेयर, चिकन का लेयर, हाँ उसके बाद आलू, और जो जो जाता है जी, केवड़ा और गुलाब का पानी, मीठा अतर, ये पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, तो वो एक एक करके लेयर बना रहे। और बेरेस्ता ये है जी, शो स्टॉपर बोल सकते हो बिरयानी की। और प्रीतम को ऐसे दे दो, ये प्लेट ऐसे ही बैठकर खा लेगा, मैं भी, प्रीतम की माँ भी। अरे ये देखो पुदीना के जो पत्ते आज लाए हैं, बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही अच्छे वाले। दूसरे टाइम मतलब कभी याद रहता है, कभी लाते हैं कभी नहीं लाते हैं, इस टाइम देखा मैंने बोला नहीं फिर भी लाए हैं। और क्या, वो ऐसे खाना बना बनाना बहुत पसंद करते हैं, खाना भी बहुत पसंद करते हैं। अंडा देने लगे थे, मैंने बोला छोड़ दीजिए अंडा ऊपर दे देना, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टूट गया है, और बीच में डालोगे तो और ही टूट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ लास्ट के लेयर में देकर सजा दो बस। अंडा टूट जाता है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 7 लोग हैं हम और दिए हैं 8, तो सबको तो देना होगा ना। और क्या, और पीतम कभी अंडा खाता है कभी नहीं खाता है। जब बिरयानी बनती है मायके की याद मुझे बहुत ज़्यादा सताती है। हमारे घर में जब भी बनता है, बहुत सारा बनता है, तो लगता है अगर पास ही में होता मायका तो थोड़ा देख कर आती, या मायके वालों को भी बुला लेती, आ जाना आज घर में कुछ नहीं बनाना। लेकिन किस्मत तो ऐसी नहीं है, किस्मत तो है बहुत दूर, ससुराल होगा तो हुआ, किस्मत में था। और ये देखो हम सब खाने बैठ गए, मिमी और प्रीतम की तो आज बल्ले बल्ले, जब से मतलब बिरयानी दम में लगाया था तब से दोनों उछल रहे थे, कब होगा कब होगा, दो ना खाने, दो ना ऐसे कर रहे थे। और ये चलो सबको दे दिया है, प्रीतम के पापा ने ही सबको दिया है, मैंने बोला अभी आप बैठ जाओ खा लो, मैं अभी दूंगी, मतलब जिसको जो लगेगा मैं दूंगी, लास्ट में मैं खाने बैठूंगी। और ये देखो सबको देने के बाद भी बहुत सारा है ना, बोलोगे इतना सारा जी, कल भी खाएंगे, दबा के खाएंगे, और क्या। और बिरयानी एक दिन बने दूसरे दिन ना खाओ तो अच्छा नहीं लगता, बहुत मेहनत से बनाते हैं ना, तो लगता है और एक दिन खाओ तब तब दिल को तसल्ली मिलती है। और क्या, तो अभी मैं खाने बैठ गई हूँ, सबका खाना लगभग कंप्लीट, गप्पे लड़ाते लड़ाते सब खा रहे थे, अभी भी है गप्पे लड़ा रहे। मैंने बोला और किसी को कुछ नहीं चाहिए तो मैं बैठ जाती हूँ अभी। और क्या, ये चलो अंडा थोड़ा सा, आलू थोड़ा सा, चिकन थोड़ा सा,
और गया मेरे मुंह के अंदर, और जो खुशी मिली, मेहनत का जो फल मिला, वो तो मैं जबान से बयान नहीं कर सकती, मेरे चेहरे से आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। प्रीतम क्या हो रहा है बिरयानी खाने के बाद? हाँ क्या हो रहा है बोलो तो सही। इधर देखो, इधर देखो। मैं बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता, पेट क्या हो रहा है? पेट में पेट फूल गया? हाँ बेचैनी हो रही है? नींद भी नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा बिरयानी खा लिया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बिरयानी खा लिया। हाँ अंदर जाओ, फैन में सो जाओ, यहाँ पर गर्मी लग रही है, जाओ फैन में सो जाओ, पापा के पास जाओ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आपसे मिलने। हालत तो देखो, मैं 7 बजे तक सो रही थी, सात बजे तक सो रही थी क्योंकि मैं सोई 5 बजे और प्रीतम गया था ट्यूशन 5 बजे, ट्यूशन उसे भेज कर फिर मैं सोने गई, क्योंकि अगर मैं पहले सो जाती आज का, ऐसा मत करो और कान में लगता है, अगर मैं सो जाती तो इसे उठाता कौन। सोई बहुत लेट से 4 बजे, तो 4 बजे से 4:45 तक ऐसे ही सोते रही कि इसको पहले ट्यूशन भेजू फिर मैं नींद की दुनिया में जाऊंगी। वैसी नींद की दुनिया में गई कि 7 बज गए। ये देखिए जी प्रीतम का पेन, ये देखिए, ये यही दिखाने के लिए वो बदमाशी कर रहा था। ये मेरा पेन है और ये और एक था कमल के, और ये दो मैंने डील किया है एक फ्रेंड के साथ। एक फ्रेंड के साथ। तो जी और क्या, मैं नीचे सोकर एडिट कर रही थी, फिर सोचा आप लोगों को टाटा बाय बाय नहीं किया। प्रीतम बदमाशी कर रहा है, कुछ भी पड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बदमाशी किया जा रहा है और मैं चिल्लाती जा रही हूँ, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। ऐसा ही हाल है हम दोनों माँ बेटे का, यही कहानी है रोज रोज की। देखो पानी लेकर खेल रहा है पानी के। प्रीतम छोड़ो इसको, तो चलो आज का वीडियो मैं पेंट करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट की, सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। और बिरयानी कैसी लगी? हाँ बिरयानी एकदम गंदी, बदमाशी नहीं, चुप मेरा। चलो टाटा, ये बहुत उल्टा सीधा बोलेगा अभी। टाटा टाटा।